गुरुजी। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्यों रे, तेरी रेंज के लायक नहीं है ये सुभाष। 2 साल तक तुमने मुझसे किस रेंज में खर्चा करवाया पता है, और मुझे कंजूस बोल रही है तू? चुपचाप इज्जत से इन सब के सामने मुझे हक करके तो एक चुम्मा देगी या नहीं, बोल। सुभाष नहीं, प्लीज मेरी फ्रेंड को कुछ मत करो, हमें छोड़ दो प्लीज। छोड़ो बोल। छोड़ दो सुभाष प्लीज। बोल, चुम्मा देगी? चुम्मा देगी या नहीं? चुम्मा देगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बोल। हेलो। क्या रे, लड़कियों की रैगिंग करके हीरो बन रहा है क्या? हाँ, ऐसे क्या देख रहा है रे? लड़की को छोड़ दे वरना सम्प्टी को गुस्सा आ जाएगा। इज्जत से उस लड़की के ऊपर से हाथ हटाता है या फिर तेरा हाथ काट दूं मैं। देखा भाई। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू पहले चुम्मा दे। देगी या नहीं? चुम्मा दे, चुम्मा दे, चुम्मा दे मुझे। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। कौन है बे तू? आई एम विशाल, इन्हें छोड़ दे। और नहीं छोड़ा तो? तो अपनी जान छोड़ दे। वाह, इतना बड़ा मर्द है क्या? हाँ भाई, मेरे बारे में इसे ठीक से बता। जाओ मारो इसे। Yeah.
और लड़की ने हक किया तुमको, ठीक है सह लूंगा। ए, हेलो, सॉरी, इट्स ओके, थैंक्स, टाइम पर आकर बचा लिया तुमने हमें। इट्स ओके। अरे मेरा फोन किधर है? ए हेलो, ये मेरा फोन है। अरे मेरा फोन मिल नहीं रहा, रुको ना यार। अरे मेरा फोन तो जेब में ही है। वो मेरा ही नंबर है, सेव कर लेना, बीच बीच में हम बातें करेंगे, याद रखना। चलो चलते हैं, बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपका नाम? श्री। हाय, आई एम विशाल। हेलो साहब, मेरे बारे में जरा सोचिए, मेरी बात मानिए साहब। ठीक है, सोचता हूँ तेरे बारे में। 10 दस्तखत कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं 10 दस्तखत नहीं करूंगा। अच्छा, ए मल्ली। जी भाई। जाकर इसकी बेटी को उठा ला, मुझे उसके जिस्म पर 10 दस्तखत करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी बेटी को बीच में मत लाइए। मैं 10 दस्तखत करता हूँ। मैं अभी 10 दस्तखत करता हूँ। मास्टर समझ गया। मेरी बेटी को बीच में मत लाइए। देखा, मास्टर जी लाइन पे आ गए। सही बोला भाई। अरे इतने कम पैसे देकर मेरी जमीन हड़प रहे हो, भगवान है।
भगवान तुमको माफ नहीं करेगा, हाँ तुम्हारा इंसाफ करेगा, तुमको इसकी सजा देगा वो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, देखना कभी माफ नहीं करेगा। भाई नमस्ते। हे दास, आजा आजा आजा। हाँ क्या हाल चाल है भाई? वो मैं दो लड़के लेकर आया हूँ। कहाँ है वो दोनों? हाँ भाई बस एक मिनट। ए सुनो, भाई बुला रहे हैं अंदर जाओ। हाँ। इधर उधर क्या देख रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ ना। जैसा तुम्हें बताया था ना, हाँ। यही हमारे बॉस हैं। नमस्ते सर, आई एम विशाल। नमस्ते सर, मुझे सब राम बाबू कहते हैं, मेरे करीबी मुझे प्यार से रैम्प बुलाते हैं सर। दास ने तो तुमको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, समझा दिया भाई। मेरे कंडीशन के हिसाब से 3 साल मेरे साथ काम करना होगा, अगर मान गए तो तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा मैं। ये लो 1,00,000 रुपए एडवांस रख लो। ए, हाँ भाई, इस एग्रीमेंट पे फटाफट साइन करो। अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो 1,00,000 रुपए हमारी तरफ रखो, जिप, हम अपना लक्ष्य आपकी तरफ रखेंगे। जिप, जिप, जिप। साइन कहाँ करना है वैसे? हे, हाँ, एक बार पढ़ लेते हैं ना। अबे गधे, वो जॉब देने से पहले एडवांस दे रहा है, फिर शक क्यों कर रहा है तू? पहले चुपचाप साइन कर यार तू। ठीक है भाई। लीजिए सर। ए दास। हाँ। जी ठीक है भाई, ये रुक जाओ। अब क्या हुआ? किसी भी काम में ईमानदारी और सच्चाई होना चाहिए। हमारे मांगने से पहले उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह दे दी, उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। अब हमें, हम अपना सर्टिफिकेट देकर, हमारी ईमानदारी का सबूत देकर ही उस पैसे को हाथ लगाएंगे हम। हे सही है यार। हे, इन सब की क्या जरूरत है? हम अपना सर्टिफिकेट दिए बिना पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। दास, रख ले। ठीक है भाई, ये पकड़ना तो। वैसे हमें क्या जॉब करना होगा? वो बाद में बताऊंगा, पहले पैसे ले जाकर एंजॉय करो। थैंक्स भाई। चलो जाओ जाओ। देखो सुभाष, तुम इस सुब्बू के रेंज के हो ही नहीं, क्यों मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम? फोन का बिल भरने के लिए 3 दिन पहले बोला था, तुमने भरा नहीं, या फिर तुमने मुझे कोई कॉस्टली गिफ्ट दिया क्या? नहीं ना, भूल दिया था ना सुब्बू। क्या बोला? फूल दिया था? हाँ तो क्या, फूल लेकर तुमसे प्यार करूं? उस फूल को मसल कर तुम अपनी जेब में रखो, फूल फेंक दे कंगाल कहीं का। मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज। क्या हुआ? अब तक रेडी क्यों नहीं हुई? कॉलेज नहीं जा रही हो क्या? आज अगर इकोनॉमिक्स क्लास मिस हो गई तो प्रोफेसर के साथ झगड़ा हो जाएगा, जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। शिट, मैं तो भूल गई, 2 मिनट वेट करना, अभी आती हूँ। भाई भाई, जिन्हें हम ट्रेनिंग दे रहे थे ना, वो लड़के लोग भागे भाई। भाग गए क्या? हाँ भाई। भाग गए मतलब जानता है, वो गवाह बनकर पुलिस में हमारी कंप्लेंट करने गए। हाँ भाई। नो, नो, नहीं हो सकता। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता, 24 घंटे में वो मेरे सामने चाहिए, समझा? भाई, 3 दिन तक पीकर सारा पैसा खत्म कर दिए, ऐसे हमें 1,00,000 रुपए देने वाला पागल मिल गया,
तो हम रोज दिवाली मना सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें? एक रुपया भी नहीं है। कल अगर खर्चे के लिए पैसे चाहिए होंगे तो भाई के पास ही जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा भाई। अरे राम बाबू, है राम बाबू, तुम लोग यहाँ पड़े हो क्या? नीचे तुम्हें ढूंढ रहे थे। कौन है ये? ए, भाई तुम लोगों को बुला रहे हैं। भाई भाई तुम हो क्या? क्या? अरे संभाल कर। ए, भाई अर्जेंटली बुलाए हैं तुम लोगों को। इतनी रात को? कल सुबह आएंगे ना। क्यों? तुम लोगों ने जो काम किया ना, ये टाइम करेक्ट है। वो हमने पी रखी है ना भाई। पीने के बाद ही वो काम कर पाओगे। भाई का ही फोन है। हेलो भाई। ठीक है भाई, हाँ मैं खुद लेकर आऊंगा भाई। ठीक है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? वैसे भी हम दोनों को अब क्या नशे में भी काम करना पड़ेगा? खामोश, कॉर्पोरेट सर्कल में तेरा कोई टच नहीं है ना। कंपनी फ्यूचर के लिए मीटिंग्स वगैरह एम्प्लॉय के रात में ही रखते हैं। चलो 1 लाख और उठा लाते हैं। ऐसा है क्या? हाँ भाई चल। ठीक है भाई, क्या हुआ, चले ना। एक्सपेक्ट किया था तुम लोग खाकी से मिलकर सारी कहानी बताकर कंप्लेंट दोगे, मैं एक्सपेक्ट किया था। हर ऐसा है, मेरा फैन निकला, शायद तुम्हें पता नहीं चला। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे दिए गए कंप्लेंट को मेरे हाथों में सौंप दिया उसने, और मैंने तुम्हारी जरूरत पर पैसे देकर तुम्हारी हेल्प की थी ना। हाँ भाई। तो फिर मुझे धोखा देकर मेरे खिलाफ तुमने कंप्लेंट किया, ये गलत है ना? गलत है कि नहीं? गलत है ना? गलत है ना? गलत है कि नहीं? हाँ भाई गलत है। हम दोनों को छोड़ दो भाई, किसी की नजर में नहीं आएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। ए, ए, अभी मैं तुम्हारा क्या? हमें कुछ मत करिए भाई। हा? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज प्लीज भाई हमें छोड़ दीजिए। मणिशंकर भवानी के यहाँ पर एंट्री तो होता है पर एग्जिट नहीं होता। मना करोगे तो भाई भाई प्लीज भाई सर धड़ से अलग हो जाएगा। हाँ भाई भाई जी भाई, भाई। चलो उठाओ उठाओ चलो उठाओ उठा चलो से। ये क्या है भाई? ये क्या, एक पत्ती की तरह इसका गला काट भाई दिया। जो काम देंगे अगर वो नहीं करोगे तो इसी तरह तुम्हारा भी गला कटेगा। भाई जो काम देंगे वो, वैसे हमें यहाँ क्या नौकरी करनी पड़ेगी? चोरी करनी है। चोरी? क्यों, एग्रीमेंट पर साइन किया है ना, भूल गए क्या? याद नहीं है? अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो लाख रुपए हमारी तरफ रखो, सिर्फ हम अपना लक्ष्य आपकी तरफ रखेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं ना यार। मुंह बंद कर, चुपचाप साइन कर पहले। पढ़ा नहीं भाई। जो हुआ सो हुआ, चल अब भाई बुला रहे, आजा। भाई अरे बाप रे, फंस गए यार। हाँ यार, इसलिए बोला था अग्रीमेंट एक बार पढ़ लिया होता, लेकिन तुम सुनेगा तब ना। आज से हमारा चैप्टर क्लोज है। भाई 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 भाई, गलती हो गई भाई, गलती हो गई भाई, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाई, हो गई हमें, गलती हो गई भाई, भाई गलती हो गई। पैर पकड़ने वाले और गिराने वालों को ये भवानी शंकर कभी माफ नहीं करता। उठो और सीधे सीधे बताओ कि गलती क्या किया तुमने। आपके पास नौकरी के लिए आना ही गलत है, पैसे देखकर लालच करना भी गलत है, पढ़े बिना एग्रीमेंट पेपर पर साइन करना उससे भी बड़ी गलती है, आपके ऊपर भरोसा करके अपना सर्टिफिकेट देना उससे भी बड़ी गलती है। आप इन गलतियों को हम दोनों को नजरअंदाज करके आप हमें माफ कर दीजिए ना। ए, भाई बहुत अच्छा है यार, कुछ नहीं बोलेंगे, हम चलते, चलते हैं भाई, चलो। ए, देखो। अब तो फंस गए यार। भाई हम जा सकते हैं? मैंने जो पैसे दिए हैं वो देकर चले जाओ। वो तो सारा खर्च हो गया भाई। तो फिर
एग्रीमेंट के हिसाब से 3 साल मेरे अंडर चोरी करना पड़ेगा तुम्हें। स्कूल में हम तो एक पेंसिल भी नहीं चुरा पाते थे भाई, ऐसे में हम चोरी कैसे कर पाएंगे? फिल्मों में चोर लोगों को देखकर हमारा पेंट गीला करने वाले वंश में पैदा हुए है भाई, वैसे में हमारा चोरी करना मुश्किल है सर। हाँ भाई, हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक काम करो, अपनी जान दे दो। बोलो अब, मरोगे या चोरी करोगे तुम दोनों? यह अन्याय है सर, नौकरी के नाम पर हमें ऐसे फंसा रहे हो, उसके बाद करोगे या मरोगे कहकर हमें डरा रहे हो। मेरा रूट ही सेपरेट है, तुम जैसे लोगों को बहला फुसला कर गलत काम कराने के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं, और जो मना करता है उसे खत्म कर देता हूँ। एक मिनट भाई, ए इधर आ, अब क्या करें यार? अगर नहीं माने तो मार डालेंगे। अगर मान गए तो हम मरेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, मरने का नाटक करके टाइम देकर भाग जाएंगे हम लोग। ऐसा ऐसा ही करते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तू समझना यार। ठीक है सर, अगले 3 साल तक हम आपके पास काम करेंगे, लेकिन चोरी करने का हम लोग को कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही बोलोगे, इसीलिए मैंने एक ट्रेनर का इंतजाम किया है। हम पे ट्रेनर का है भाई, वही है। अरे देखने में तो छोटा भैंसा लग रहा है, ये हमारा ट्रेनर होगा। हाइट कम है तो हल्के में ले रहे हो क्या? इसकी कैपेसिटी के बारे में बताता हूँ तुम्हें। आप रुकिए भाई, मैं बताता हूँ। हाइट कम लेकिन फाइट ज्यादा, टोटली मेरा पावर ज्यादा है। हम्पी बैच नंबर 362, 30 इयर्स से इंडस्ट्री में हूँ। 36 किडनैपिंग, 26 रेप और 24 रॉबरी का रिकॉर्ड है। टोटली पुलिस मुझे देखकर करती है ऐसे, इसीलिए आंध्रा तेलंगाना टोटली साउथ इंडिया में मैं ही मैं हूँ। अरे बस कर तू, अभी एक हफ्ते के अंदर इन्हें पूरी तरह तैयार करना होगा, भले ही वो तेरी ट्रेनिंग में फेल हो जाए या फिर भागने की कोशिश किए तो अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। ये लोग है ना, इन लोग के साथ साथ तुझे भी ऊपर से नीचे तक चीर के रख दूंगा। आप रुको भाई, मैं इन लोगों को भयंकर ट्रेनिंग देकर बैग से बैंड करके खड़ा कर दूंगा, ऊपर खड़ा कर दूंगा। हम पे यू जंपी फॉलो मी। चलते भाई। अरे बाप रे, मत मारिए गुरुजी, मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए, निकलो निकलो। बाप रे, अरे बाप रे, मत मारिए गुरुजी। क्यों ऐसे मार रहे हो गुरुजी? हाँ, पुलिस या पब्लिक जब तुमको पकड़ेगी तो ऐसे ही पीटेगी, तुम्हारा शरीर मजबूत करने के लिए कर रहा हूँ। ये और इसकी ट्रेनिंग पटला कहीं का, जान ले रहा यार इसकी तो। रुक जा यार, मेरी बात सुन, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा यार, बैठ यार। अरे बाप रे, वो फिर से कुछ लेकर आ रहा है, कहीं उस भवानी शंकर ट्रेनिंग के नाम पर मार डालने के लिए तो नहीं बोला है? अरे क्यों भाई लोग, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ गुरुजी, ये तेल लगा लो। ऐसा ऐसा क्यों? ए मेरा हाथ पकड़, हाथ पकड़। देखा ना, चोरी करते समय तेल लगाएगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। अरे सन्यासी, आज ये मेरे हाथों से मरेगा। तू इधर आ, चल। आ रहा हूँ गुरुजी। तू पकड़ रहे, पकड़ अब मुझे रोक। हाँ बाप रे, मैं तेरी जात को जान हलक पे आ गई। अरे बाप रे, अरे अरे क्या हुआ गुरुजी? सॉरी गुरुजी, चोर को ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसलिए। अबे तेरी तो गुरु मैं हूँ कि तू है। करो टूट गए इसके। अभी गुरुजी, गुरुजी आगे क्या करना है बताएंगे तो प्रिपेयर हो जाएंगे गुरुजी। बाप रे, कम से कम इस बार तो अच्छे से ट्रेनिंग दीजिएगा, वरना ऐसे ही चिंता चिंता हो जाएगा। मुझे मारा ना तूने, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। सर, इसको हत्या करते हुए मैंने और मेरे पापा ने अपनी आंखों से देखा था। इंस्पेक्टर साहब, जहाँ गवाही देने के लिए कहेंगे वहाँ देंगे, पर इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। हाँ। छोड़ूंगा नहीं, इसे को भी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शंकरमणि,
किसी को नहीं छोड़ूंगा। शंकर, मैं हूँ मणि शंकर, तुम सब का अंत कर दूंगा। शंकर जी, हाँ, आपके लॉयर ने आपकी बेल करा दी है, एसआई साहब ने आपको बुलाया है। हाँ। भाई, छोटे भाई आ रहे हैं। वेलकम छोटे भाई, वेलकम। वेलकम? किस बात की वेलकम? वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ क्या? मैं तो लॉकअप से वापस आया हूँ, वो भी एक लड़की की वजह से। अरे रे रे रे, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? बाहर आ गया है ना? केस समाप्त नहीं हुआ है भाई, बेल पर आया हूँ मैं। हाँ सर, गवाहों को मैंने बहला फुसला कर उनसे बेल पिटीशन पर साइन करवाया। पर क्या पर? क्या परवर लगा रखा है? दिल्ली का इन्फ्लुएंस को लेकर मैं केस रद्द करवा दूंगा। तू देखना मेरे भाई, तेरे जिस्म पर एक मच्छर भी नहीं मंडरा सकता है। ये मुमकिन है क्या? ये मुमकिन नहीं है। मर्डर करते समय मुझे देखने वाले गवाह हैं और वो अभी भी जिंदा हैं। जानता हूँ, उनके साथ कुछ करने की सोच रहा हूँ मैं। देख, यही वकील है ना जो मना कर रहा था और रोक रहा था। आपको रोका इसलिए तो आपके भाई को आसानी से बेल मिल गई। ए मोहन राव, अब मैं नहीं रुक सकता, उन गवाहों को मारना ही पड़ेगा इन हाथों से। नहीं मणि, नहीं, हमारे हाथों में मिट्टी लगे बिना इनको खत्म कर देंगे। वो जहाँ कहीं भी हो उनको ढूंढ निकालेंगे। सुनो चेलालो, तुम मेरी ट्रेनिंग में फिट हो या अनफिट हो या जानने के लिए मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगा। बोलो, रेडी होना? छोड़ो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तू वहाँ खड़ा होकर देख रहा है, तू रेडी है ना? गुरुजी, वहाँ देखिए, वो लोग लड़की छेड़ रहे हैं। छोड़ो, छोड़ दे मुझे। हाँ गुरुजी, लगता है लड़की के साथ रैगिंग कर रहे हैं, उनको सबक सिखा दो। तुम लोग रुक जाओ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये हम्टी क्या चीज है उनको दिखाता हूँ, तुम लोग सिर्फ देखते रहो। ठीक है गुरुजी। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्यों रे, तेरी रेंज के लायक नहीं है ये सुभाष। 2 साल तक तुमने मुझसे किस रेंज में खर्चा करवाया पता है, और मुझे कंजूस बोल रही है तू? चुपचाप इज्जत से इन सब के सामने मुझे हक करके तो एक चुम्मा देगी या नहीं, बोल। सुभाष नहीं, प्लीज मेरी फ्रेंड को कुछ मत करो, हमें छोड़ दो प्लीज। छोड़ दो सुभाष प्लीज। बोल, चुम्मा देगी या नहीं? चुम्मा देगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बोल। हेलो, क्या रे, लड़कियों की रैगिंग करके हीरो बन रहा है क्या? हाँ, ऐसे क्या देख रहा है बे? लड़की को छोड़ दे वरना सम्प्टी को गुस्सा आ जाएगा। इज्जत से उस लड़की के ऊपर से हाथ हटाता है या फिर तेरा हाथ काट दूं मैं। देखा भाई। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू पहले चुम्मा देगी या नहीं? चुम्मा दे मुझे। भाई, 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 भाई,
बाप रे, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। ए, कौन है बे तू? आई एम विशाल, इन्हें छोड़ दे। और नहीं छोड़ा तो अपनी जान छोड़ दे। वाह, इतना बड़ा मर्द है क्या? ए, हाँ भाई, मेरे बारे में इसे ठीक से बता। जाओ मारो इसे। Oh!
नहीं भाई, छोड़ो उसे, सामने आना, छोड़ो उसे। गुंडों की मार खाई मैंने और लड़की ने हक किया तुमको, ठीक है सह लूंगा। सॉरी, इट्स ओके, थैंक्स, टाइम पर आकर बचा लिया तुमने हमें। इट्स ओके। अरे मेरा फोन किधर है? ए हेलो, ये मेरा फोन है। अरे मेरा फोन मिल नहीं रहा, रुको ना यार। अरे मेरा फोन तो जेब में ही है। वो मेरा ही नंबर है, सेव कर लेना, बीच बीच में हम बातें करेंगे, याद रखना। चलो चलते हैं, बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपका नाम? श्री। हाय, आई एम विशाल। हेलो, क्या मारा यार? असल में वो लड़के बहुत शार्प थे ना, उनमें से एक तो मुझे ही देखे जा रहा था। वाओ, वो और उसका स्माइल बहुत बढ़िया था। हे, अब बस भी कर तू। सुबह जो हुआ वो काफी नहीं था, कम से कम अब तो लड़कों को अपने पीछे घुमाना बंद कर और पढ़ाई पर ध्यान दे। अच्छा, छी, 6 साल में एक बार तो एग्जाम आता है, उसके लिए अभी से मेहनत करने की क्या जरूरत है? ए, जब तक तुझे मार न डालूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। साल में एक बार नहीं, नेक्स्ट मंथ ही हमारा एग्जाम है, और तुम में सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। असल में तुझे नहीं, मैं अपना अच्छा बड़ा सा घर छोड़कर तेरे साथ कंबाइन स्टडी के लिए आई हूँ, और उस वजह से तू मुझे। बस कर, मेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब पढ़ाई कर। हेलो। हेलो डार्लिंग, क्या कर रही हो? कौन है बेतू? रैम्बो। मतलब सिक्स पैक है क्या? फैमिली पैक नहीं है मेरे पास। क्या है ना, आज जो पार्क में झगड़ा हुआ था ना गुंडों के साथ में, जो फाइट हुई थी, फाइनली मुझे ना तुमसे तो प्यार हो गया है। ओह, तो तुम हो? ये बात है। क्यों, मेरा फोन छीनकर तू दबा देगा क्या? क्या? वही मेरा सेल नंबर। तू दबाएगा कह रही हूँ। लाइन मार रहा है क्या? लेंस टूट जाएगा तेरा। गलत बात है ना, वैसे भी सुंदर लड़कियों की ये कैसी बीमारी है। किसके बारे में बोल रहा है? तुम्हारे बारे में ही। यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारी खूबसूरत आँखों की, सुनहरी नाक की, गुलाबी होठों की कसम खाऊंगा तब यकीन करोगी क्या? ए, एक मिनट एक मिनट, ए जरा उधर तो खिसक। अब बोलो। मैं कसम खाकर कुछ और बोलूं और बिना कसम खाए कुछ और, ऐसा नहीं करता डार्लिंग। लॉलीपॉप जैसे तुम्हारे लिप्स की, कमर फुल जैसे तुम्हारे हिप्स की कसम खाता हूँ, मुझे तुमसे ना लव है। हेलो 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 सुबू, हेलो हेलो सुबू, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अच्छा, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे फ्रेंड को भी तुम्हारी फ्रेंड पसंद आ गई है। तुम हाँ कहो तो मैं भी रेडी हूँ। प्लीज तुम लोग डिसाइड करके हमें बता देना, हम रेडी है। इतना स्पीड मत बढ़ाओ, स्पीड ब्रेकर भी तो होते हैं। टच में रहो, देखते हैं। बाय। ये सब क्या चल रहा है? वही तो, किसी न किसी दिन कोई तुम्हारे पीछे भी पड़ेगा, तब पता चलेगा तुम्हें कि कैसा लगता है। नो वे, किसी को भी ये चांस नहीं दूंगी मैं। मेरी लाइफ में एम्स और गोल्स हैं। MS US में करना है, बेहतर डॉक्टर बनना है मुझे,
गरीबों का फ्री में इलाज करके मुझे मदर टेरेसा बनना है, दैट्स ऑल। अच्छा किसी भी तरह से श्री को मुझे अपना बनाना है, उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है मुझे, पर कैसे? सुब्बू, I love you, सुब्बू, I love you too much, I love you. अरे रे रे रे, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? क्यों सपना देख रहा है? ये सपना था क्या? अगर मारूंगा तो थोपड़ा लाल हो जाएगा। अरे श्री को कैसे पटाना है मैं इस टेंशन में, और तू है कि बीच में तू क्या क्या चिल्ला रहा है? सुब्बू सुब्बू, सॉरी यार। सॉरी वारी छोड़, उस लड़की को लाइन पर कैसे लाना है इसका कुछ आइडिया होगा तो बता। अभी बताऊं क्या? हाँ अभी बताना होगा। अभी क्यों? हाँ अभी। हाँ तो इधर आ। गुड नाइट। सो जा यार। तेरी तो, छे, मेरे प्यार को सक्सेस बनाने के लिए कोई तो आइडिया दो यार। मैं बताता हूँ। सच में गुरुजी? तो बताइए गुरुजी, आप तो सुपर हो। ए चोर, पकड़ो पकड़ो। ए रुक, मैडम बचाओ, बचाओ मैडम, मैडम बचाओ, इधर आ, बचाओ मैडम, मैंने बोला नहीं, इधर बचाओ मैडम, ये तो आपने छोड़ूगा नहीं। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैं हूँ श्री, उस दिन आपने हमें बचाया था ना। अच्छा आप? सॉरी हाँ, मैं टेंशन में था इसलिए आपको पहचाना नहीं। टेंशन? किस बात की टेंशन? ये चोर है ना, मेरे घर से चैन चुरा कर भाग रहा था। क्या मतलब, यहाँ सीन उल्टा हो रहा है। आमतौर पर चोर औरतों के गले से चैन चुराते हैं, फिर यहाँ उल्टा कैसे? सिचुएशन की यही डिमांड है ना, यही मेरा बैड लक है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अरे मेरे पास मत आना वरना इसको मार डालूंगा। प्लीज प्लीज, लड़की को कुछ मत कर, तू मेरी चैन लेकर जा। मेरे पास मत आना वरना इसको मार डालूंगा, ध्यान रख। क्या कर रहा है? दूर रह, सुपर। आइडिया, तो क्या समझता है हम्टी को? हम्टी का प्लान कभी फेल नहीं जाता, हंसेगा ही। इज्जत से वो चैन मुझे दे दे। मैं नहीं दूंगा। बचाओ मुझे, मर गया। अबे तेरी जात का, मैं ओरिजिनल चोर नहीं हूँ रे। चोरी करने वाला काम किया तो चोरी कहलाएगा ना? मारो इसे। अरे मर गया। अरे माँ, अरे दर्द हो रहा है क्या गुरुजी? तेरी जात का, मैं पहले से ही दर्द से चिल्ला रहा हूँ, ऊपर से तेरी टेस्टिंग चालू है। प्यार के लिए आपने जो त्याग दिया है आपका ग्रेट है गुरुजी। जिसने प्यार किया त्याग उसको करना चाहिए, बगल वाले को नहीं। वो ना सिर्फ एक प्रेमी है गुरुजी, और आप ना बहुत महान है। चाहे कुछ भी हो, इसका मामला सेट हो गया यार, बात आगे बढ़ गई है। असल में क्या है गुरुजी? अगर आसान शब्दों में कहूँ तो चुम्मी उसको मिली और कुटाई मेरी हुई। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो दिखाइए ना गुरुजी। देखो, ध्यान से देखो कैसे मजे ले रहा है। ए भाई, तू सुपर है यार। देखा ना, इस सबका क्रेडिट हमारे हम्टी जी को जाता है। हम्टी को समझते क्या हो तुम लोग? गुरुजी, आपके आइडिया ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे भी कोई आइडिया बताओ ना गुरुजी, पूरी जिंदगी आपकी सेवा करते ही गुजार दूंगा। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, कान इधर लाओ। गुरुजी आप सुपर हो, वो फोन एक बार मुझे दीजिए। अच्छा,
साइलेंट किलर है। एम्बिशन एम्बिशन क्या के पोज मारती हूँ आया और मेरी आंखों में धूल झोंक दी। क्यों यार, सुबह सुबह पढ़ाई छोड़कर तूने फोन पकड़ लिया? किससे चैटिंग हो रही है? चैटिंग नहीं, तूने जो चीटिंग की वही देख रही हूँ। क्या चीटिंग क्या है? अच्छा ये ले, खुद ही देख ले। हे, ये क्या है, ये किसने बनाया? अच्छा जो करना था वो कर दिया, अब ओवर एक्टिंग कर रही है तू। ये क्या, कल उस लड़के के मैटर पर बात की और इतनी जल्दी तूने क्लास भी ले डाली, जबकि मुझे मेरे पेरेंट्स को बताने की धमकी देती थी, और खुद तो चोरी छिपके प्यार की धुन बजा रही है तू। वैसे वो केस बढ़िया तो था ना, ओनली किस तक ही मैटर रुका या कुछ हॉट सीन्स भी बनाए तुम लोगों ने? बताना मुझे, अरे बताना, फर्स्ट टच कैसा था? हे विशाल, छी, तू इतना बड़ा आवारा है, मुझे पता नहीं था मैं तुझ पर गिर गई और तूने उसे शूट करके मेरी फ्रेंड के पास भेज दिया। असल में लड़कियों को तुमने समझा क्या है, अच्छे से बात कर दिया तो इसका मतलब प्यार हो गया, इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? ऐसी घटिया ट्रिक मुझ पर मत आजमाना, दोबारा अगर ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, माइंड इट। चलो कोई बात नहीं श्री, मैं बुरा नहीं मानूंगा, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है, मेरी डार्लिंग उसने मुझे मारा है ना, इसी बहाने उसने मुझे छू तो लिया, मैं बहुत हैप्पी फील करूंगा। सुनो सिरी, दिखाई देने वाली हर लड़की का पीछा करके परेशान करने वाला मैं रोमियो नहीं हूँ, पहली नजर में तुमने मुझे यहाँ छू लिया है, अभी तुम्हें भूलना मुमकिन नहीं है, प्यार करना ही पड़ेगा, तुम्हें जैसा तरीका सही लगेगा वैसा ही करेंगे। यस, वही है, मतलब मेरा स्ट्रोक लग गया। हेलो हेलो डार्लिंग सुब्बू, क्या कर रही हो? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सच में? हाँ सच में। सो लकी, तो फिर तुम्हें एक बात पता नहीं है? क्या बात है? मेरे फ्रेंड को तुम्हारे फ्रेंड में काफी इंटरेस्ट बढ़ गया है, समझ गई? अच्छा मैं कैसे मान लूं? तो फिर एक काम करते हैं, कल हम दोनों मिलते हैं। बाप रे। आप तो बहुत स्पीड वाले लगते हैं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से स्पीड बढ़ गई। अच्छा वैसे आप करते क्या हैं? वो ना जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर। एक मिनट, सैलरी कितनी मिलती है? महीने का 1,00,000 रुपए कमा लेता हूँ। क्या आप वाकई इंजीनियर हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, महीने का 1,00,000 रुपए कमा लेता हूँ। वो तो ठीक है बॉस, पर तुम अच्छे इंसान हो या बुरे मुझे कैसे पता चलेगा? तो फिर एक टेस्ट ले लो, तुम मुझे किस करो, मैं गुस्सा करूंगा या खुश होता हूँ उसे देखकर तुम मेरी सच्चाई खुद ही समझ लेना। अच्छा बहुत होशियार हो। तो फिर कोई है तो नहीं? तुम ओके हो क्या? डबल ओके। हे, कहाँ गई थी तुम? तुझसे ही पूछ रही हूँ, अब तक थी कहाँ? वो मैं कुछ पूछा है तो ऐसे क्यों सोच रही है? सिरी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में ढेर सारा एंजॉय करके आ रही हूँ, पता है तुम्हें? व्हाट? ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानती? रैम्बो। क्या कहा? वो आवारा तेरा लवर है?
देखो सिरी, हा? मुझे कुछ भी बोल दे लेकिन मेरे लवर को कुछ मत कहना। हाँ जैसा तू सोच रही है वैसा हमारा नहीं है। वो इंजीनियर है, उसकी एक महीने की 1,00,000 सैलरी है। उसने बोल दिया और तूने मान भी लिया। भरोसा ही प्यार की नींव होती है। कल अगर तुझे कुछ हो गया तो वहीं बनेगी तेरी समाधि। तुझ पर इतना भरोसा करने वाले तेरे माँ बाप को तू ऐसे धोखा देगी? प्यार किया है, कोई अपराध नहीं किया है। अरे तेरे खोखले दिमाग को कैसे समझाऊं? तुझे क्या लगता है तेरा पार्क वाला प्यार माँ बाप के प्यार से बढ़कर है? पार्क का प्यार या सिनेमा का प्यार बोल के मुझे नीचा मत दिखाओ। एक बात बताऊं, वो मेरे लिए कुछ भी कर गुजर जाएगा। अच्छा क्या क्या कर गुजर जाएगा? अभी दिखाती हूँ तुझे। अब देखना मैं स्पीकर ऑन करती हूँ, सुनो। हेलो। हेलो। हाँ बेटी। पापा कैसे हैं आप? अभी तक तो अच्छा हूँ बेटी। अभी तुमने फोन किया है ना, अब जरूर कुछ ना कुछ होकर रहेगा। बोलो कोई बड़ा खर्चा या छोटा खर्चा? ऐसा कुछ नहीं है पापा, एग्जाम्स आ रहे हैं ना तो मुझे पढ़ाई करनी है। बुक के लिए 5,000 रूपए अकाउंट में डाल देंगे। मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? जब सैलरी आएगा तब भेज दूंगा, तब तक दूसरों के किताब से पढ़कर गुजारा कर लो। अच्छा ठीक है पापा। अब देखो पार्क के प्यार का मजा। हाय सुबू। हाय रैम्बो। रैम्बो मुझे अर्जेंटली 5,000 रूपए चाहिए। अरे कब चाहिए? तुम हो कहाँ पे? बताओ डार्लिंग। देखा सिरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता। बोलो कल मैं तुमसे ले लूंगी डार्लिंग। तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा डार्लिंग। ए चलो फोन रखो। ओके ओके बाय। देखा तुमने माँ बाप और बॉयफ्रेंड के प्यार का अंतर। इसीलिए मुझे मेरा बॉयफ्रेंड ही चाहिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इसे कोई नहीं बदल सकता। इस बार अगर वो लड़के दिखाई दे तूने ओवर एक्शन किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। वैसे भी तुम्हें उस लड़के से इतनी चिढ़ क्यों है सिरी? वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। सब में वो विशाल बहुत सही लगता है। तुम दोनों की मैचिंग बहुत अच्छी है। वैसे भी लिप तो मिल गए हैं, तो दिल भी मिला लो ना। ग्रीन सिग्नल दे ही दो। स्टॉप इट। दोबारा अगर विशाल के बारे में बात की तो मार डालूंगी। अरे मेरी माँ। ए सिरी। कौन है बे तू? मेरे बारे में जानने की कोशिश मत कर, नहीं तो पैन गिली हो जाएगी। मार डालो इसे। Oh!
हे विशाल, चल चल अरे चल छोड़, मुझे मार, तेरी तो सिरी 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 उठ, सिरी उठो। सिरी आंखें खोलो, सिरी सिरी क्या हुआ है तुम्हें सिरी? विशाल, सिरी 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 आंखें खोलो, सिरी सिरी सिरी, अरे बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर, मैं कहां पर हूं? सिरी, आराम से, आर यू ऑल राइट? सिरी, मैं अभी अभी डॉक्टर से मिलकर आई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से जा सकते हैं। वैसे तुझ पर अटैक किया था वो कौन था? पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता है। ओह माय गॉड, पता है, बहुत बड़ा खतरा टल गया। सही कहा। देखो सिरिशा, हमेशा कहती रहती हो ना कि वो आवारा है, गुंडा है, अगर वो लड़का टाइम पे नहीं आता ना तो पता है क्या हो जाता तेरे साथ? तेरी वजह से उस बेचारे विशाल के हाथ में भी चोट लग गई। वैसे भी बिना परवाह किए उसने तुझे बचाया और हॉस्पिटल लाके एडमिट कराया, पता है ना? कहीं तुम उसे दोबारा देख के परेशान ना हो जाओ, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। वैसे भी जितना तुम उसे समझती हो वो उतना बुरा नहीं है। विशाल कहाँ है? देख विशाल, उस लड़की को तेरे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है, समझा? इतना सब कुछ जानते हुए भी उसके बारे में सोच रहा है? असल में सारी गलती तेरी है, उसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा है तू। वो तुझसे प्यार नहीं करती। अरे विशाल, मेरी बात सुन, और भी लड़कियां हैं, मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता, अब वो तेरे लिए करेक्ट नहीं है, श्री को भूल जा। क्या बात कर रहा है, तुझे समझ में आ रहा है? तू अपने सुब्बू को भूल सकता है क्या? भूल जा और उसके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच। सुब्बू को छोड़कर किसी और के पीछे पड़, ठीक है? और उसे भूल जा, भूल जा। हे, यही है, इसी को प्यार बोलते हैं। होशियारी से तूने सुब्बू को पटा लिया, वो पट भी गई, लेकिन मैंने श्री से सच्चा प्यार किया है, वो मुझसे पट नहीं रही। शायद उसके पीछे की वजह मैं श्री के लिए ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं श्री को भूल नहीं सकता। वो मेरी जान है, वही मेरी सांसें हैं, चाहे अभी हो या बाद में। उसके सिवा मेरे दिल में कोई और लड़की आ ही नहीं सकती, समझे? मैं आने ही नहीं दूंगा।
देख लिया ना, ये है विशाल। वैसे भी ऐसे लड़के हमें पसंद नहीं आते। हीरो की तरह बिल्डअप देके मारेंगे या हमें मार डालेंगे, ऐसी धमकियां देने वाले ही हमें बहुत पसंद आते हैं। उनसे ही हम झट से पट जाते हैं, लेकिन उसके बाद पछताते हैं। कम से कम अभी तो विशाल को समझो। सिरी। हाय, आई एम विशाल। तुम्हें कुछ नहीं होगा सिरी। डॉक्टर विशाल। सिरी, तुम? मैंने सब कुछ सुन लिया विशाल। अभी तक मुझे बस कुछ चीजें ही पसंद थी, उनके साथ साथ मुझे विशाल को भी पसंद करना पड़ेगा, ये मुझे अभी पता चला। यू आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ सिरी। लव यू। लव यू टू। तुझे मारने के लिए भेजा था, मार खा के आ गया। भाई उसे मारने ही गया था, पर अचानक से बीच में दो लड़के आ गए, उन्होंने मुझे बहुत मारा भाई। अगर वो नहीं आए होते तो मैं उस लड़की को मार डालता। थोड़ा सा मिस हो गया भाई। ए, तू मेरा आदमी है, जानते हो भी तुझे मारा क्या? पता नहीं भाई। नमस्ते भाई। हाँ भाई, ये वही है भाई, यही है जिसने मेरा हाथ तोड़ दिया भाई। सॉरी भाई, मैं नहीं जानता था कि ये आपका आदमी है। अरे बाप रे, बाप रे, क्या सफाई दे रहा है ये। अच्छा, तुझे नहीं मालूम था? अरे ये चोरी करने गया था, ये मर्डर करने गया था। बिना सोचे समझे काम करता है पागल कहीं का। उन बेचारी लड़कियों पर ये हमला करने गया था। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता ना तो मर्डर केस आप पर आ जाता भाई। इसलिए मैंने इसे मारा। बाप रे, ये कोई मामूली गुंडे नहीं है। नहीं भाई, इन दोनों का जरूर उन लड़कियों के साथ कोई कनेक्शन है भाई, मैं सही कह रहा हूँ भाई। ये सच है क्या? कोई नहीं भाई, वो थोड़ा करीबी लोग है भाई। कोई परवाह नहीं, जवानी में ये सब होना एक आम बात होता है, सबका अपना अपना रास्ता होता है। ठीक है भाइयों, तुम्हें काम करना होगा। बोलो भाई। गंगावर गांधीनगर सेंटर में एक बुड्ढा पैसे लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए गया है। बस उसके पास से पैसा चोरी करना है और मुझे देना है। बस इतनी सी बात है, लाकर दे देंगे। रे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा, जाओ। ए, तुम रुको अभी। ए, ये बात मुझे कहनी चाहिए थी और तुझे सुननी चाहिए थी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। मेरा सिर? हमेशा की तरह तू उनके साथ जाएगा और ये बैग चोरी करके तुझे देंगे और तू मेरे को लाकर देगा। समझ गया ना? समझ गया। ठीक है भाई। चलो यार, चलता हूँ भाई। तेरी जात का, इनके चक्कर में मैं भी फंसता हूँ। ये क्या भाई, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया? ए, जो हो रहा है उसे बस देखते जा। उस रिसा को मारने में यही तो बीच में आ रहे थे ना, आप देखना तुम मेरा दिमाग इन्हें मिट्टी में मिला के हम कुचल देंगे। मैं जो कहता हूँ वो करो, सुनो। ए, कहाँ ले जा रहे हो? ये शॉर्टकट है सर। ठीक है चलो। ए, रुक जा। कौन हो तुम लोग? डिटेल जानकर क्या करेगा बे? एक लगाऊंगा ना। ए, चलो तुम लोग बैठो। अंदर घुस। कौन हो? चल। ए, चल। ए, चल। ए, गाड़ी रोक रे। ए, गाड़ी रोक। गाड़ी रोक बे। ए, गाड़ी यहीं पे रोक। हाँ भाई, रोकता हूँ। अरे यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? मुझे जल्दी जाना है।
चले जाना, लेकिन पहले उतर। हाँ भाई उतरिए सर। ए, बाहर निकल, बाहर उतर, बाहर निकल। ये क्या कर रहे हो? मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? चल बैग दे, छोड़ दो। अरे चुपचाप अपना बैग देगा या हमारे हाथों से मरेगा? बैग दे। नहीं तो पुलिस को फोन करता हूँ। क्या करेगा बे? अबे विशाल पकड़ इसको, मैं बैग दे रहे हूँ। क्या कर रहे हो? बैग दे, बैग दे, बैग दे, छोड़ दो, छोड़ दो। ये ले पकड़, चल 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 यहाँ से, छोड़ दो। चोरी की हुई माल की खुशबू ही अलग होती है। अगर मेहनत का पैसा होता, छीछी पसीने की बदबू आ रही है। कुछ भी कहो यार, तुमने कर दिखाया। ले जाओ, ऐश करो। थैंक्स भाई। हाँ भाई। हाँ यार, देखा ना भाई, मैंने लॉन्डो को कैसी ट्रेनिंग दी है। एकदम तेज तलवार की तरह तैयार किए मैंने। इस्तेमाल करो भाई, इस्तेमाल करो। अच्छा, ऐसी छोटी छोटी चोरियां बहुत हो गई, अब किसी बड़े बैंक को लूटते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं, क्या बोलते हो भाई? मुंह बंद कर और निकल यहाँ से। समझ गया भाई, चलता हूँ भाई। सॉरी भाई, दोबारा मुझसे काम होगा तो जब तक नहीं बुलाओगे मैं यहाँ दिखाई नहीं दूंगा भाई। चलता हूँ भाई, चलता हूँ। गन को ध्यान से रखना भाई। अरे यार, सुबू का फोन है। ठीक है, बात कर ले। हेलो। हाय सुबू डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। ड्यूटी पर था, क्या हुआ बताओ? तुम लोग तुरंत सिरिशा के घर आओ। क्या? हेलो हेलो, शिट, फोन रख दिया यार। क्या हुआ यार? पता नहीं यार, उसकी बातों से लग रहा था कि कुछ सीरियस मैटर है यार। सिरी के घर पर हमें अर्जेंटली बुलाया है। क्या हुआ होगा? ठीक है, चलते हैं। ऑटो। जो हुआ उसके बारे में सोच कर अपनी कंडीशन और मत बिगाड़ो सिरी, प्लीज। अरे यार, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हुआ है। हाँ यार, सिरी, सुबू, सिरी, सुबू, सिरी, सुबू, सुबू, क्या हुआ ये सब? विशाल, सिरी, क्या हुआ? सिरी, तुम रो क्यों रही हो? सुबू, कम से कम तुम तो बताओ क्या हुआ? सिरी के फादर नहीं रहे। Oh my God, ये कैसे हुआ? इससे पहले उन्हें दो बार शॉक आया था, इस बार उनके हाथ को जोर से कुछ लगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। असल में हुआ क्या है ये हम भी नहीं जानते। सिरिशा, प्लीज सिरिशा, शांत हो जाओ। चाहे जितना भी रो लो, जो चले गए वो लौटने वाले नहीं है, तुम्हारे लिए हम है ना, हिम्मत रखो प्लीज सिरी। हाँ सिरी, इस वक्त तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, संभालो खुद को। हाँ सिरी, ठीक है ना विशाल? तुम इसके फादर के फोटो के सामने हाथ जोड़ लो। अरे हाँ यार, चल। क्या करेगा बे? अबे विशाल, पकड़ इसको। मैं बैग खींचता हूँ। क्या कर रहा हूँ? बैग ले। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले श्री को हमने धोखा दिया। इन हाथों से ही उन्हें बेरहमी से मारकर श्री को हमने अनाथ कर दिया। ए, उनकी मौत की वजह हम दोनों लोग कैसे हो सकते हैं यार? वो तो मरे हैं यार, हार्ट फेल से। ए, वो हार्ट फेल से नहीं मरे हैं, वो हमारा किया गया पाप है। हा? हमने उनकी मेहनत का पैसा छीन लिया, वो भी गला दबाकर। बहुत बड़ा पाप किया हमने। नहीं यार, अब आगे से चोरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये कहने वाला तू कौन है?
हमें वो नचाने वाला देख उसी का फोन है। वो हो या उसकी माँ का पति हो, आज से ये खेल बंद कर देते हैं। अरे वहाँ जो है उसका नाम भवानी शंकर है, पावरफुल डॉन। उसके खिलाफ जाने का मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना है। उससे दुश्मनी लेने की हिम्मत ना तेरे पास है ना मेरे पास है यार। अरे यार हम हर तरह से फंस गए यार। उसके खिलाफ जाना हमसे नहीं हो पाएगा यार। उसके खिलाफ गए तो वो हमें मारकर हमें हमारे गांव पार्सल कर देगा यार। मतलब हम हमेशा चोर की तरह जिएंगे क्या? और कोई चारा नहीं है। हा? ये देख फिर उसका ही फोन है। रोज ऐसे मरते हुए जीना मुझसे नहीं होगा। कोई भी संघर्ष हो पहले कदम से शुरू होता है। मैं संघर्ष करूंगा, अगर जीता तो श्री मेरी होगी, नहीं तो सर उस भवानी शंकर का होगा। मेरी बात सुन यार। अरे भाई रुकना यार, एक मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। रुक रुक, अरे रुक तो यार। अरे मेरी बात सुन यार। अब तक हमने यही किया, आगे से हम कौन है ये दिखाने का टाइम आ गया है। चल बैठ, चल बैठ। सुब्बा रेडी? हाँ भाई। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, शाम तक वो लौंडे तेरे पास आ जाएंगे। रॉबरी होने के बाद 50-50, ओके? ओके भाई। डन डन। भाई वो विशाल यहाँ पर आया है। भाई नमस्ते। यारे सुबह से फोन लगा रहा हूं तुम दोनों को, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बिजी थे क्या या फिर चर्बी चढ़ गई है? भाई आगे से ये लोग आपके लिए चोरी नहीं करेंगे ऐसा कह रहे हैं। गलत बात है, जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें छेद करना गलत बात है। मेरी बात मानो और फैसला बदल दो। नहीं भाई, अब से ये खेल बंद करना होगा। आपकी बातों में आकर आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे सर्टिफिकेट हमें दे दो, हम चले जाएंगे। ए, भाई के खिलाफ बोलेगा क्या? इज्जत से भाई को सॉरी बोल दे वरना मैं तुझे दास। हाँ भाई। सर्टिफिकेट ही है ना, दे दो इनको। लेकिन भाई वो देखो दास, हम भले ही कमीने आदमी हैं इसकी परवाह नहीं, हमारे अंदर थोड़ी सी तो इंसानियत होनी चाहिए ना। सुधर जाएंगे बेचारे, चोरी नहीं करेंगे तो खुशी से बेचारों को मर जाना चाहिए। हाँ? इसी में हमारा बड़प्पन है, इसमें इतना सोचना क्या है। शाबाश यार, मुझे तुम पसंद आए। यही बात अगर शुरुआत में बोलते तो मुझे बहुत खुशी होती। कोई बात नहीं। ए दास। हाँ? अपने लड़कों को वो देकर भेज दे। ठीक है भाई। हे अच्छा।
कम से कम अभी हमारा सर्टिफिकेट देगा तो हम चले जाएंगे। ठीक है भाई, ये लो भाई, ठीक है, ये लो। थैंक्स भाई, चल यार। ए मल्ली भाई, भाई उन लड़कियों का घर कहाँ है? सिरी, सिरी कम से कम दूध तो पी लो यार, ऐसे कितने दिनों तक भूखी बैठी रहोगी तुम? प्लीज सिरी पी लो। विश्वनाथ की बेटी तुम ही हो क्या? नहीं जी, वो है। मेरा नाम है भवानी शंकर, विश्वनाथ का फ्रेंड हूँ। अंदर आ सकता हूँ क्या मैं? आइए ना सर। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल। तुम्हारे पापा के मौत के समय मैं शहर में नहीं था, इसलिए नहीं आ पाया। आने के बाद एक जरूरी बात पता चली मुझे। मुझे लगा कि वो जरूरी बात क्या है मैं तुम्हें बता दूं, इसलिए अपना सारा काम छोड़कर मैं तुम्हारे पास चला आया। कौन सी बात अंकल? तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई थी? हार्ट अटैक। नहीं। तो फिर? उनकी हत्या हुई थी। ये आप क्या कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। अनजाने में मेरे आदमियों ने सब कुछ शूट कर लिया था। ये देखो, ध्यान से देखो। बगल में वो रैम्बो भी है। तुम लोग इन्हें जानती हो क्या? कहीं तुम इनसे प्यार तो नहीं करती? ये तो देखने से चोर और हत्यारे लगते हैं, संभल कर रहना। बेचारे विश्वनाथ जी एक मच्छर को भी तकलीफ नहीं देते थे, ऐसे इंसान को मारने के लिए उनका दिल कैसे गवारा किया होगा? मेरे दोस्त की आत्मा की शांति के लिए मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। शांत हो जाओ सिरी। सिरी, सिरी प्लीज सिरी, सिरी शांत हो जाओ तुम। सिरी, डार्लिंग, शांत हो जाओ सिरी प्लीज। डार्लिंग सिरी। सुब्बू, ऐसे क्यों उदास होकर बैठी हो? कम ऑन, इधर आओ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। हाँ सिरी, उस भवानी शंकर के यहाँ से हमने अपना सर्टिफिकेट चुरा लिया, चलो बाहर जाकर एंजॉय करते हैं। सिरी, क्या हुआ होगा? सिरी, सिरी क्या हुआ है तुम्हें? सिरी क्या हुआ?
तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पापा को क्यों मारा? बताओ, बताओ, बताओ! मेरे पापा को क्यों मारा? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बता, क्यों मारा? क्यों मारा उन्हें? बता, बता मुझे। सिरी, मेरी बात सुनो। नहीं, अब तो कुछ मत बोल। मेरे पापा को क्यों मारा तूने? झूठ है ये, सब कुछ झूठ है। हाँ, तुम लोग इंजीनियर हो, ये बात झूठ है। हमसे प्यार करते हो, ये भी झूठ है। हमारे लिए जान दोगे, ये भी झूठ है। तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। ए, तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है किस आधार पर तुम लोग हम पर इल्जाम लगा रही हो? तुम लोग ही हो, पैसों के लिए मेरे पापा को मार रहे थे। मेरी आंखों के सामने ही, वीडियो देखने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारा सच क्या है। श्री, नहीं यार, और कुछ मत बोल। श्री, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। उसके लिए चाहे जो भी सजा दो, मैं तैयार हूँ। छी, तू असल में इंसान ही नहीं, चले जा। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। बात वो नहीं है सिरिशा। नहीं, चले जा यहाँ से। बात वो नहीं है सिरिशा। चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ। सिरी, सिरी मेरी बात तो सुन लो। सिरी, चले जाओ। सिरी, सिरी, अरे कम से कम तुम क्यों बोलो? मेरी बात तो सुन लो सिरिशा। ये सब किसने शूट किया? पता करना होगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे पता चलेगा? अरे एक आइडिया है। अरे यार, सुबू को फोन करूंगा, उससे पता चल जाएगा। हेलो। हेलो, तूने कॉल क्यों किया मुझे? वो वीडियो किसने दिखाया पूछना था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला? बोलो सुबू। क्यों, उन्हें भी मार डालोगे क्या? सुबू, चुप करो। तुम लोगों को हमने कितना प्यार किया था, उस पर भी हमें धोखा मिला। उस भवानी शंकर के दिखाए हुए वीडियो से ही अब समझ में आया। थैंक यू सिबू, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा, तो ये मैटर है। उस दिन हमें फंसाने के लिए उसने वो वीडियो निकाला था। वही तो ये खेल खेला होगा। उस दिन मौके पर ऑटो ड्राइवर भाग गया था और बचे थे हम विश्वनाथ और हम्टी। सिर्फ इतने ही स्पॉट पर थे। मतलब वो वीडियो निकालने वाला हम्टी है क्या? हाँ वही है। मतलब हमने विश्वनाथ को मारा, ये वीडियो भवानी ने उसी को भेजा होगा। हाँ, इसलिए शायद। उस दिन से हम्टी बिना नजर आए घूम रहा है कहीं। इतने टाइम से हमने उसके साथ अलग अलग गेम खेले हैं। उसे फंसाया, लेकिन बाद में उसने हम दोनों को ही फंसा दिया। जल्दी फोन 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 कर उसे। लगाता हूँ यार। उसको पकड़कर दो खींच कर देंगे तो सारा मैटर बाहर आ जाएगा। उठा उठा, जल्दी उठा। अरे भाई, फोन जा रहा है लेकिन उठा नहीं रहा यार। वही है इस सबके पीछे, समझा? इसलिए वो हमसे बचकर भाग रहा है। अब उसे कैसे पकड़े? हाँ, अरे यार, एक आइडिया है। ये एक नया सिम है, इसका नंबर उसके पास नहीं है। एक सिम कार्ड काफी है हमारी लाइफ को बदलने के लिए। हाँ? ये नंबर किसका है? देखता हूं। हेलो हेलो, मिस्टर हम्टी है? यस, मैं मिस्टर हम्टी हूँ। आप कौन है? हम पुस्की एंड पुस्की लकी स्कीम से बात कर रहे हैं सर। आपका लकी ड्रॉ निकला है, आप उसमें 1,00,000 रुपए जीत गए सर। मैंने कोई लॉटरी टिकट नहीं ली है। तो आप दूसरे टाइप के हो सर? बहुत सारे लकी नंबर में आपका नंबर निकला है सर। आप 1,00,000 जीत चुके हैं सर। आप बताइए 1,00,000 रुपए कहाँ भेजे हम? कितना? अरे सर, पूरे 1,00,000। हाँ? कौन सी कंपनी है? पुस्की एंड पुस्की। वैसे आप पैसे कहाँ लेने आएंगे सर? आप कहाँ देंगे? आप रहते कहाँ है? मैं कहाँ रहता हूँ, मतलब अब तक आए क्यों नहीं? वैसे भी वो भवानी कितना देता है? समुंदर में से बस कुछ बूंदे। अब उसके पास जाकर भीख नहीं मांगूंगा। आज मुझे 1,00,000 रुपए मिलेंगे तो किसी लड़की को सेट करूंगा और हैप्पीली ऊटी चला जाऊंगा। वैसे भी ये लॉटरी वाली लड़की कहाँ गई? अभी तक आई नहीं। क्यों, पुस्की एंड पुस्की लॉटरी में 1,00,000 रुपए मिल गया ना, उसके लिए वेट कर रहा है। लॉटरी वाली लड़की का वेट कर रहा है ना?
क्यों बे? बाप रे, तुम लोग हो, मैं तो फंस गया। बाप रे, छोड़ो मुझे। बटले, हमें उस मर्डर केस में फंसा कर भाग जाएगा तू? क्या सोचता है, हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? मैंने तुम लोगों को कहां फंसाया यार, मुझे तो खुद भी कुछ पता नहीं है भाई। तो फिर हमसे बचकर क्यों भाग रहा था? उस दिन वो भवानी शंकर तुमसे मिलूंगा या बात करूंगा तो वो मुझे मार डालेगा, ऐसा कह रहा था यार। पर ऐसा किस लिए? वो तो मुझे पता नहीं। उसके बाद ही मैं उस भवानी शंकर का पूरा स्केच समझ गया था। क्या है स्केच? बताऊंगा तो वो मार डालेगा। नहीं बताएगा तो हम तुझे मार डालेंगे। ए, तुम लोगों को खतरे में डालने वाला मैं नहीं हूँ, वो ऑटो वाला है। वो भी उस भवानी शंकर का आदमी है, उसको तुम लोग पकड़ोगे ना तो सब कुछ उगल देगा। वो गिरी कहाँ रहता है? अरे गिरी, गिरी नहीं है, उसे मरे हुए 2 दिन हो गए। अरे गिरी, मैं हम्टी हूँ रे, चुपचाप बाहर आ जाबे। अरे तुम हो क्या भाई, कैसे आना हुआ? नमस्ते भाई। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुझसे एक छोटा सा काम है, जरा मेरे साथ बाहर चल। ओके भाई। चलो। ये लड़का तो विशाल के जैसा लग रहा है भाई। अरे वो सच में विशाल ही है। हा? अरे क्यों भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? तुझसे आज हम लोग बात करने आए हैं। कैसी बात भाई? वही बात तो करने आए हैं। उस दिन तूने वो वीडियो शूट क्यों किया था, बता मुझे। कौन सा दिन, कौन सा वीडियो? मुझे कुछ याद नहीं है भाई। याद आ गया? ये क्या, तूने मुझे मारा? ज्यादा चर्बी चढ़ गई। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ठीक है? नमस्ते भाई। पकड़ो। अरे विशाल, अरे मेरी जान लोगे क्या तुम लोग? मैंने उसे पकड़वाने की कोशिश की है, अगर उस भवानी को पता चल गया वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। मैं अब और नहीं भाग सकता भाई, तुम लोग जाओ यार, जाओ उसे पकड़ो। बाप रे, रुक, ए रुक, वो आज हमारे हाथ से नहीं बचेगा। ए रुक। हेलो भाई, वो दोनों मेरे पीछे ही हैं। आप लोकेशन पर हो ना, मैं उनको वहीं पर लेकर आता हूँ। भाई भाई भाई, अरे गिरी, अरे क्या हुआ, उठ जा, उठ उठ गिरी, अरे क्या हुआ तुझे, उठ भाई, क्या हुआ भाई? भाई फोन पे मैंने इन्हीं के बारे में बताया था। मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये पूछने वाला तू कौन होता है? इस नारियल वाले कोपी लिंगम के साथ पंगा लेगा तो समझ ले कि सीधा मौत से पंगा ले लिया। अगर तू उसे यहाँ नहीं भेजा तो तू समझ ले तूने अपनी मौत से पंगा ले लिया। मेरे साहब के खिलाफ बोलता है तेरी इतनी हिम्मत हो? Oh!
नहीं भाई मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं सब सब बताता हूँ आपको। तो बता वो वीडियो किसने शूट किया था? असल में उस दिन वो वीडियो मैंने ही शूट किया था। फटाफट उतरो सर। ए बैग दो। ए विशाल पकड़ जल्दी उसको। ए विशाल बैग दे मुझे। तेरी तुम। ए विशाल तू इधर आ। ए मरना है क्या तुझे? वीडियो बनाकर भवानी ने मुझे देने के लिए कहा था उसे, मुझे पैसे भी दिए उसने, इसलिए बनाया था। तो रुक जा भाई। तो फिर उस भवानी का क्या स्केच है तू जानता ही होगा? नहीं नहीं मैं नहीं जानता। अरे विशाल ये ऐसे नहीं बताएगा, रुक मैं कुछ करता हूँ। नहीं जानता। नहीं नहीं भाई मैं सब बताता हूँ आपको, मुझे मत मारो। उस दिन गांधी की मूर्ति के पास विश्वनाथ को देखकर उन्हें फोन पर बताने वाला मैं ही था। वो विश्वनाथ बैंक से पैसे लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के लिए आया है भाई, मैंने सोचा आपको बता दूं। शाबाश गिरी। थैंक यू भाई। हमेशा की तरह उसे हमारी जगह लेकर जाना, और हमारे लौंडे आएंगे और तेरे ऊपर अटैक करेंगे, समझ गया ना? अरे भाई कितनी देर लगेगी अभी? हो गया सर आता हूँ। उस दिन जब तुम लोग पैसे वाला बैग लेकर वहाँ से चले गए तब भी वो बुड्ढा जिंदा ही था। मैं जब उस दिन फोन से शूट कर रहा था तब पता है क्या हुआ? हाँ बता। ए विशाल जल्दी चल यार। मेरे पैसे वापस कर दो, वो मेरे पेंशन के पैसे थे। अरे वापस कर दो। अरे कोई लौटा दो। तू यहाँ? इसका मतलब ये सब तूने किया है? हाँ मैंने किया। उन बच्चों को तो सिर्फ बैग लाने को कहा था, लेकिन मैं तेरी जान ले रहा हूँ, वो कभी नहीं जान पाएंगे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। मैंने जो खून किया उसका तू और तेरी बेटी गवाह है। मुझे मत मारो। लेकिन तुझे जब मारूंगा तो कौन गवाही देगा? तुझे जान से मारूंगा तो मैं, लेकिन फंसेंगे वो लौंडे। मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे छोड़ दो। तुझे ऐसे मारने के बाद तेरी बेटी को भी ऐसे ही तड़पा के मारूंगा। बाप रे। जो मैंने वीडियो बनाया था उसका आधा हिस्सा भवानी को भेज दिया था, बाकी का वीडियो उस मणि के डर से अपने पास ही रख लिया था। उस भवानी ने विश्वनाथ पर हमला करने के लिए कहा था, मैंने ये पैसों के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो उनकी जान ले लेंगे। ए, उस मणि को विश्वनाथ की हत्या करने की क्या जरूरत पड़ी? बताता हूँ भाई। अरे रे खून। यहीं पर अच्छे और बुरे की पहचान होती है। तेरी जमीन तुझे बहुत पसंद है और जमीन को हड़पना मुझे बहुत पसंद है। प्यार से बोला तो समझ में नहीं आया ना? अब देख तुझसे जबरदस्ती छीन रहा हूँ, क्योंकि उस जमीन पर शराब की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ मैं, इसलिए। भले ही मुझे तू धमकी दे या मेरे साथ कुछ भी कर, मैं तुझे अपनी जमीन नहीं देने वाला। अच्छा तो मैं फिर खुद ही ले लूंगा। मणि को ना सुनने की आदत नहीं, और जो ना करते हैं उसका यही हाल होता है। जब जब दस्तखत करते
पापा फोन दीजिए। हमें क्या करना है इन सब से? दीजिए ना। हेलो पुलिस स्टेशन। तू मुझे मार डालेगा ये मैं जानता हूँ, फिर भी मैं दस्तखत नहीं करूँगा। अच्छा नहीं करेगा? दस्तखत कैसे करवाना है मैं जानता हूँ। है गिरी? हाँ भाई। इससे दस्तखत करवा ले। ठीक है भाई। चल लगा अंगूठा लगा। भाई उसकी जान तो चली गई पर जगह हमें मिल गई। शाबाश, इस मणि से पंगा लेगा तो मैटर फिनिश हो जाएगा। चल गाड़ी में बैठ। ठीक है भाई। मणिशंकर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे पाप और कर्म कांडों का अंत हो चुका है। मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो ये जान सकता हूँ क्या मिस्टर ऑफिसर? यह हत्या तूने ही की है, जिसने देखा उसने हमें फोन करके बुलाया है। कहाँ है वो गवाह? मैं यहाँ हूँ। सर इसको हत्या करते हुए मैंने और मेरे पापा ने देखा है। हाँ सर हमने देखा है सर, आप जहाँ गवाही देने को कहेंगे दे देंगे। तुझे गिरफ्तार करने के लिए इतना काफी है ना कांस्टेबल? यस सर। इसे और इसकी गैंग को ले जाकर जीप में बिठाओ। ओके सर। चले देख लूंगा तुम लोगों को। चल चुपचाप चल। जा बे। आगे एक बार आपको पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवानी होगी। हम आ जाएंगे। ओके चलो बेटा। ए, इस मर्डर केस में हमें क्यों फंसाया उस भवानी ने? हाँ। श्री को मारते वक्त तुम लोग बीच में आ गए थे इसलिए। वो श्री तो कब की मर चुकी होती, पर तुमने उसे बचा लिया। इसे किसी भी तरह ढूंढ निकालो और ढूंढने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है भाई। ए, चल। ए श्री। डॉक्टर। इसीलिए तुम दोनों को मर्डर केस में फंसाकर तुम दोनों को जेल में डाल के वो श्री को मारना चाह रहे थे। यही भवानी शंकर का प्लान है। दोनों भाइयों ने अच्छा स्केच बनाया, अब श्री के सामने हम निर्दोष है ये साबित कैसे करेंगे? अरे यार ए तुरु वो फोन मुझे दे, दे दे दे। फोन नहीं है भाई। निकाल निकाल निकाल। हाँ देता हूँ भाई। निकाल। वीडियो वीडियो ओपन कर। हाँ करता हूँ भाई, करता हूँ। ये देखो। हे गिरी, अरे यार उसे पकड़ना होगा। उसे अब जाने दे, मेरी श्री इस वक्त बहुत खतरे में है। उसे कैसे बचाना है पहले वो सोचते हैं हम। उसमें क्या सोचना, उसने तुझे अपने घर से निकाल दिया फिर भी तू उसके बारे में सोच रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? श्री श्री कर रहा है। अरे यार पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उसके बाप को हमने नहीं मारा है, ये बात हमें उसको बतानी होगी। ये रहा एविडेंस। एक बार ये वीडियो देखो, तुम देखो ना। मैंने जो खून किया उसका तू और तेरी बेटी गवाह है। मुझे मत मारो। लेकिन तुझे जब मारूंगा तो कौन गवाही? तेरे पापा को मारने वाले विशाल और रैम्बो नहीं है। मारूंगा तुम मैं। लेकिन कम से कम अब तो उन लोगों को समझो तुम। मैं ऐसा हमने उन्हें बहुत गलत समझ लिया, एक बार उनसे मिलते हैं। राम बाबू। सुबह। सॉरी मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सुब्बू। आई लव यू राम बाबू। लव यू टू सुब्बू। आई लव यू राम बाबू।
लव यू टू सुब्बू, आई लव यू टू। मुझे कभी छोड़कर मत जाना सुब्बू। सिरी, असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरे पापा को मारने वाले विशाल और रैम्बो नहीं है, पता होने के बाद भी तू उनसे नाराज है? बताऊं क्या, मैं तुझे जवाब दूं क्या? मैं तेरी तरह एडजस्ट करने वाली नहीं हूँ। पापा के मामले में भले ही वो निर्दोष है, लेकिन वो धोखेबाज है। हमें प्यार के नाम से धोखा दिया, चोरी करते हैं ये हमें बताया भी नहीं। ऐसे ब्लफ मास्टर हमारे लवर्स हैं ये मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। बस करो श्री, असल में हमारे बारे में जानती ही क्या हो जो इतना जलील कर रही हो। चोरों के बारे में जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन बोलने की जिम्मेदारी हम पर है। पूरी बात तो सुनो श्री, उसके बाद ही फैसला करना। हम दोनों तुम्हारे ही गाँव से है, नाम है राजा नगर। हम एक शरीफ खानदान से है, मेहनत से पढ़कर MSc फर्स्ट क्लास में हमने पास किया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वाओ, सुपर एक्सीलेंट। थैंक यू सर। तुम दोनों तो MMC में फर्स्ट क्लास पास हुए हो, तुम दोनों को जॉब तो मिलनी ही चाहिए। तुम जैसे यंग टैलेंट को हमारी कंपनी की बहुत जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, पर उस रंगा को कैसे मैनेज करूंगा यही सोच रहा हूँ। सर, आप कुछ भी करके उन्हें मैनेज कर लीजिए सर, प्लीज सर। इतनी आसानी से वो नहीं मानने वाला, उसे पैसे खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि इस फाइल को MD के सामने वही ले जाकर रखने वाला है। बाकी तुम्हारे जॉब की गारंटी मैं देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, पर तुम दोनों को 2-2 लाख रुपए देने होंगे। ये तुम दोनों कर तो पाओगे ना? जरा सोच कर देखो, 1 महीने की 1 लाख रुपए सैलरी है। सर, हम दोनों बहुत गरीब फैमिली से हैं, घर से इतना पैसा लाना बहुत मुश्किल है सर। हाँ सर, फिर तो जॉब देना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। सर 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 सर, सर प्लीज सर, सर, सर बस एक बार, बस एक बार। सोच समझ कर ही मैंने तुम दोनों को बताया था, जल्दी से 2-2 लाख रुपए भरो, हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी पाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये तो क्या कह रहा है, वो भगवान की तरह आकर तुझे नौकरी देंगे कह रहे हैं, तो क्यों नहीं जाना चाहता है? कहाँ जाऊंगा माँ, अभी के अभी 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? इतना पैसा हमें कौन देगा? इसलिए मैंने जॉब को मना कर दिया। बेटा विशाल, एक मिनट रुको। ये पैसे ले ले और जाकर जॉब ज्वाइन कर। माँ, ये क्या है? पता है, मेरे ऑपरेशन के लिए छुपाया पैसा है। देख बेटा, मैं ऑपरेशन इस महीने नहीं तो अगले महीने करवा लूंगी, लेकिन तेरा ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। तू सोच मत और ये पैसे ले जाके भर दे। थैंक्स मां, थैंक यू सो मच मां। मैं अपनी जॉब ज्वाइन करके 2 महीने में ही सिटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा मां, तुम्हें मैं रानी की तरह रखूंगा। ठीक है, चल अब तू जा। ठीक है मां, मैं आता हूँ। ये लो भैया, ले लो भैया, मेरी शादी के लिए जो पापा ने बचाए थे वो पैसे हैं ये। बहन, भले ही तुम मेरी बहन हो, तुमने पापा की तरह भरोसा किया। देखो भैया, तुम जॉब भी किसके लिए करना चाहते हो? हमारे लिए ही ना, ताकि हम खुश रह सके। ऊपर से 1 महीने में 1 लाख रुपए सैलरी मजाक है क्या? तुम सिटी जाकर बहुत सारा पैसा कमाओगे और हमारे गांव में जब सेठ बनकर आओगे मुझे वही दिन देखना है। अभी और कुछ मत सोचो भैया, पैसे लेकर जाओ। थैंक्स, जैसा तुमने कहा मैं जॉब ज्वाइन करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, लेकर आऊंगा, हो सके तो तुम्हारे होने वाले पति को उसे भी वहीं ले जाकर वहाँ जॉब पे लगवा दूंगा, ठीक है ना? ए गुड़िया, शर्मा रही है क्या? जाओ भैया। सर, हम 4 लाख रुपए लेकर आए हैं, किसी भी तरह आप हमें नौकरी दिला दीजिए सर। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
अब तुम दोनों को जो जॉब चाहिए वो मिलकर ही रहेगी। बस अभी मैं एमडी से बात करता हूँ। हेलो सर, मैं गुरु नागन बात कर रहा हूँ सर। हाँ वही सर, मैंने आपसे बात की थी ना, वो पैसे लेकर आ गए हैं। कहाँ सर? मॉर्निंग में 10 बजे। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा रखता हूँ सर। हाँ देखो भाई लोग, एमडी जी ने बोला है कल से तुम दोनों जॉब ज्वाइन कर लो, इसीलिए तुम दोनों कल सुबह 8:30 बजे यहाँ पर आ जाना और मैं चल के तुम्हें एमडी से मिलवा दूंगा, ठीक है? आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू सर। इस जन्म में तुम लोग मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, ठीक है। माँ, 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 क्या हुआ चाची? माँ को क्या हुआ बताओ ना। डॉक्टर जी, मेरी माँ को क्या हुआ है बताइए प्लीज। ये लो, तुम्हारे साथ थोड़ी बात करनी है, मेरे साथ आओ। देखो मिस्टर विशाल, इससे पहले मैंने जो स्कैनिंग की रिपोर्ट निकाली थी उसमें आपकी मदर के हार्ट में होल्स हैं, ये बात मैंने आपको बता दी थी। जल्द से जल्द अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनकी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम लोग उनके जरा से भी केयर करते हो। आगे से ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ओके सर। माँ को क्या हुआ चाची? कुएं से पानी भर रही थी तो उसे चक्कर आ गया और वो गिर गई बाबू। पास जाकर मैंने देखा तो उसके मुँह से खून बह रहा था। तुरंत मैंने डॉक्टर जी को बुलाया। ध्यान रखना बेटा। बेटा विशाल। माँ, 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 ये तुमने क्या कर लिया? मैंने मना भी किया था, फिर भी मेरी बात माने बिना मेरे हाथ में जबरदस्ती तुमने पैसा भरवा दिया। आप देखो क्या हो गया है। ऐसा क्यों किया आपने? तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है माँ। मैं अभी जाकर वो पैसे वापस ले आता हूँ, ठीक है माँ? मैं वापस लेकर आता हूँ माँ। बेटा विशाल। माँ नहीं, रहने दे, मेरी बात सुन। बात वो नहीं है माँ। नहीं और कुछ मत बोल, इस माँ के लिए तो अपनी जिंदगी दांव पे मत लगा। मेरी बात सुन, तू, तुझे मेरी कसम है। माँ, टाइम हो रहा है, जल्दी कर यार। ठीक है चलना यार। ए, दरवाजा तो लॉक है यार। हाँ यार, लगता है अभी कोई आया नहीं है। ठीक है चल नीचे वेट करते हैं। हाँ हाँ चल। ए, 9:30 बज रहे हैं यार, सर अभी तक आए क्यों नहीं? अरे भाई रास्ते में ही होंगे यार, परेशान क्यों हो रहा, थोड़ा इंतजार कर। एक बार फोन कर यार। इंतजार करने के लिए कहा ना। क्यों यार अभी तक नहीं आए? पता नहीं इतना टाइम कहाँ लग रहा होगा, क्यों नहीं आए यार। तू फोन लगाना यार उनको। लेकिन इतनी देर हो गई, आए क्यों नहीं? चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म मसालेदार, चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म, चाय बोलिए, गर्मा गर्म चाय बोलिए बाबू, चाय पियेंगे। हम यहाँ टेंशन में, तुझे चाय की पड़ी है, चल निकल। आप लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ भाई, किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? सर के लिए। सर के लिए? सर के लिए? अच्छा वो गुरु नंदन का ही? हाँ। वो बहुत बड़ा चीटर है भाई, आप जैसे लड़कों को जॉब का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लेता है भाई। किसी को शक ना हो इसीलिए हर महीने अपना ऑफिस बदलता है। पुलिस वाले उसे कब से ढूंढ रहे हैं। दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो फिर भी चोरों के झांसे में आ जाते हो। चाय बोलो, चाय बाबू, चाय बोलो, चाय। हमारे साथ धोखा हुआ यार। ए, ए, तू टेंशन मत ले, उसे उसे फोन लगा। रुक करता हूँ। अरे करना यार। कर रहा हूँ यार। लगा क्या? स्विच ऑफ आ रहा है यार। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये लो भैया, मेरी शादी के लिए जो पापा ने बचाए थे वो पैसे हैं। ये देखो भैया, तुम जॉब भी किसके लिए करना चाहते हो? हमारे लिए ना। अभी और कुछ मत सोचो भैया, पैसे लेकर जाओ। बहन की शादी के लिए जो पैसे बचा रखे थे वही मैंने उसे दे दिए। अब मैं अपनी बहन को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा? मैं अब घर नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं जाऊंगा घर, मैं मर जाऊंगा। राम बाबू रुक जाओ,
क्या कर रहा है? राम बाबू जाने दो मुझे, ऐसा मत कर। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बात, मर जाऊंगा, छोड़ मुझे, मैं नहीं सुनूंगा। ऐसा मत कर। तू पागल है क्या? तू क्या करने जा रहा है, तुझे समझ में आ रहा है? तेरे अंदर दम है तो जाकर उसे पकड़, लेकिन कायरों की तरह कूद कर क्यों मरना चाहता है? छे, तो क्या करूं यार, मेरी बहन की शादी का सारा पैसा चला गया। हे, मैंने कितनी बड़ी गलती की है पता है तुझे? मैंने भी पैसा माँ के दिल के ऑपरेशन के लिए बचाया हुआ था। अभी ये बात मेरी माँ को पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? हे, हम उस गुरु नंदन से धोखा खा चुके हैं। एक काम करे क्या, घर वालों को सब सच बता देते हैं। तू पागल है क्या? हमारे घर वालों को पता चल गया तो वो लोग वैसे ही मर जाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमा कर ही घर वापस जाना होगा। इतना पैसा कैसे कमाएंगे हम यार, ऐसे में हमें जॉब कौन दिलाएगा? मैं दिलाऊंगा। पर हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही काम दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, चलो। हे, चलिया। भाई, थैंक्स थैंक्स भाई। वैसे मैं क्या करना होगा भाई? वो शंकर भैया बताएंगे। शंकर भैया? शंकर भैया? शंकर, वीर भवानी शंकर। तुम लोग जल्दी से अपना गेटअप बदल कर आओ। चले क्या भाई? अरे 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 अरे, तुम दोनों तो बहुत स्पीड में लग रहे हो। चलो भाई के पास लेकर चलता हूँ। गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, हमें जॉब मिल गई। बैठ 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 बैठ। चल भाई। चलिए भाई। श्री, ऐसा वक्त था कि हम क्या कर रहे थे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और बहुत कुछ हो गया। तुम लोगों के हमारी जिंदगी में आने के बाद हमने हमेशा अपने बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन कहीं तुम हमसे नफरत ना करने लगो। इस बात का हमें डर था, अगर शादी तक हमारा प्यार रहता तो मैं तुम्हें उस दिन बता ही देता। हाँ, पर हम पैदाइशी चोर बिल्कुल नहीं है, इसके बाद भी चोरी नहीं करेंगे। मेरी बातों का असर अगर तुम्हारे दिल पर हुआ तो मैं अपने प्यार की जीत समझूंगा, नहीं तो इसी पल हमें भूल जाओ। विशाल, I'm sorry। सिरी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। Love you। Love you too। मुझे माफ कर दो भाई, मैं मार सह नहीं पाया, इसीलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। उस हमटी ने उनके साथ हाथ मिला लिया, उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं उसके साथ चला गया, पर उसने मुझे उनके हवाले कर दिया। मेरे साथ हमटी ने धोखा किया है। ए हमटी, तू मेरे हाथों मरेगा, तेरी तो। तेरी बेटी को भी ऐसे मार डालूंगा। ये गिरी ने इस वीडियो को बड़े अच्छे से बनाया है, देख। फुल क्लियरिटी के साथ। नहीं भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। तेरी तो नहीं भाई, गलती हो गई भाई। अगर ये वीडियो गलती से भी पुलिस वाले के हाथ लग गई, मुझे माफ कर दो, वो लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे, और उनके सामने भी तू हमारे बारे में सब कुछ बता देगा। नहीं भाई, अब हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, वो भी तेरी वजह से। नहीं भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, उनके हाथ ना लग जाए इसलिए।
नहीं 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 भाई, तुझे मरना ही होगा भाई, 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 भाई। ए भाई मर गया, ये फेंक दो इसे। ठीक है भाई, ए चढ़ा ले चल भाई। अब क्या करें भाई? अभी अपने पास दो टारगेट हैं। पहला, श्री को मारकर सच्चाई को दफनाना होगा। दूसरा, उस वीडियो के साथ विशाल और राम बाबू को पकड़कर हमें अपनी समाधि से बाहर निकलना होगा। यही दो टारगेट है। ए, हाँ भाई। वो श्री और उन लौंडों के साथ हम्पी को भी ढूंढ कर टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दो। जाओ। ए सोमू, वो विशाल तुम्हें कहीं भी नजर आए तो भाई ने बोला है कि उसे काट डालो। ठीक है भाई। हर जगह ढूंढो उसे, वो जहाँ भी मिले ना तो उसे काट डालो। ठीक है भाई। हाँ भाई, तुम लोग विशाल को श्रीषा के घर पर जाकर ढूंढो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ। ठीक है भाई। हाँ भाई, भाई। कोई भी गली छूटनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढना। जाओ। ठीक है भाई, याद रखो। ए गाड़ी चला, चल चल, थोड़ी देर थोड़। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये हम लोग को ही ढूंढ रहे हैं। संभल कर रहना होगा, हमें विशाल को बताना होगा। क्या रे, कहीं दिखाई दिया? नहीं भाई, हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए वो लोग? ढूंढो। वो तीनों कहीं भी नजर आए मुझे फोन करना, ठीक है ना? ठीक है भाई। ए, वो कहीं दिखाई पड़े क्या? नहीं भाई। ए, कहां गए होंगे वो लोग? ए, इधर चल चल। क्या हुआ? अंदर चल बताता हूँ, आ जा। वो हमें ढूंढ रहे हैं। भवानी के लोगों ने तुझे देखा तो नहीं? देखा तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। वो सब लोग हमें ढूंढ रहे हैं। बात वो नहीं है, इस तरह से कितने दिन तक भागते रहेंगे? या फिर हम पुलिस को सारे सबूत हैंडओवर कर दें? तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो, भले ही कोई अधिकारी हो, पावर से या पैसे से उन्हें खरीद लेता है। इतना ही नहीं, हमारे वीडियो में ग्राफिक्स ऐड करके मिसलीड कर देगा, लास्ट में हम सब फंस जाएंगे यार। तब तो हम कहीं दूर जाकर नई लाइफ शुरू करते हैं, ठीक रहेगा ना? वो भी हमारे लिए सेफ नहीं है। हम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, वो हमें ढूंढ ही लेगा। अगर हमने मणि को अरेस्ट करवा भी दिया तो भी उसकी कहानी खत्म नहीं होगी। उस भवानी शंकर नाम के बड़े बीज को जड़ से उखाड़ नहीं होगा। ये हमसे हो पाएगा क्या? हमें ये करना होगा। उन दोनों भाइयों का अंत सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, हमारे जैसे कई लड़कों की उसने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। उसके लिए हमें जितना रिस्क लेना पड़े हम लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। शाबाश यार। राम बाबू, तूने बुलाया है क्या? नहीं, मैंने नहीं बुलाया है। सच में? मुझे बहुत गर्व हो रहा है, तुम दोनों मेरे शिष्य हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है यार। अब ये यहाँ कहाँ से आया? मैं नहीं, तुम लोग मेरे घर पर आए हो। वो भवानी कहीं मुझे मार न डाले, इसीलिए मैंने ये घर अपने छुपने के लिए भाड़े पर लिया है। और ये देखो, ये राम बाबू पता नहीं कैसे इस चापलूस को इस जगह का पता चल गया और ये तुम लोगों को लेकर यहाँ आ गया। लेकिन दोस्तों, तुम लोग मुझे बहुत पसंद आए हो, मैंने सोचा कि वो भवानी पैसों की लालच देकर तुम्हें इस दलदल में उतारा है, लेकिन वो तुम्हें फंसा देगा मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारी तरह मुझे भी कुंग-फू मास्टर बनाने का लोभ देकर, उम्मीद दिखाकर यहाँ फंसा दिया। तब से मैं उसे कैसे मारूं इस मौके की तलाश में ही था, अब मुझे रास्ता मिल गया है। वैसे क्या है वो रास्ता? उस भवानी का हमें सामना करना होगा। समझ में नहीं आया गुरुजी। उस भवानी का सारा काला रहस्य मैं जानता हूँ, उसके सारे काले धंधे के बारे में, जैसे कि चोरी, किडनैपिंग, सोना, सेक्स रैकेट की बहुत सारी सीडी,
ऐसे बहुत सारे रहस्य उसके घर में मिलेंगे। अगर वो हमारे हाथ में लग गए ना तो हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन वो सब हमें कैसे मिलेंगे? चोरी करनी होगी। नहीं, नहीं, फिर से चोरी हमसे नहीं होगी। नहीं विशाल, तुम्हें ये चोरी करनी ही होगी, और वैसे भी करते ही आए हो। इतना करोगे तभी मेरे पापा को मारने वाले कातिलों का उस भवानी का अंत होगा। ऐसे बुरे लोगों के मरने से कई लोगों का भला होगा, इसीलिए तुम्हें जाकर उस भवानी को लूटना होगा। जिसने हम लोगों को चोर बनाया है उसी के घर में चोरी करनी होगी। उसी की उंगली अब उसकी आंखों में घुसानी होगी। प्लान मैं बनाऊंगा, केस तुम लोग करोगे। डन डन। अरे मुझे उठाओ, कितने भारी हो गुरुजी। अरे उठाओ यार, अरे इतने भारी कैसे हो गुरुजी, जल्दी चढ़ जाओ वरना हमारी जान निकल जाएगी गुरुजी। अरे क्या कर रहे हो आप यहाँ? मैं देखता हूँ गुरुजी, आ जाइए। इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं गुरुजी, पहलवानों की तरह। आप उसे लकड़ी लेकर मारने चले थे, चिल्ला देता तो। चोरी करना इतना आसान नहीं है यार, बहुत होशियार हो गए हो तुम लोग। अच्छा वो दारू उस बोतल में क्यों डाल दी? उसमें भी क्लोरोफॉर्म है गुरुजी, कोई पीने की कोशिश करेगा तो बेहोश हो जाएगा। अगर होश में आया भी तो एक घूट और पी लेगा। हे भगवान, क्या क्रिएटिविटी है भाई। उसको दूर की नजर नहीं, नशे की नजर कहते हैं तेरी तो। देखो कोई आ रहा है, चलो छुप जाते हैं। चलो 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 चलो। अरे यार यहाँ ये क्या, आप में ही आउट हो गया। इधर दे। ये अजीब सा महसूस हो रहा है यार। देर क्यों कर रहे हो, वही नशा इसको भी दे दो। उठा उठा इसको, उठा। चलो चलो चल चल चल। क्यों बे, तूने हम्टी को क्या समझा था? नशे से चित कर दूंगा। हमें तू समझा क्या था बे? क्या कर रहा है बे? भाई साफ साफ बताएगा या मार खाना पसंद करेगा? मुझे मारना मत भाई, मैं बताता हूँ भाई। बोल जल्दी। वो लोग अंदर गए हैं, मुझे यहाँ रुकने को कहा है। कौन लोग हैं? हाँ भाई पकड़ो पकड़ो इसे, मैं देखता हूँ। आजा आजा, आराम से, मैं अंदर देखता हूँ। उस तरफ जाके देखो। ए, तुम उधर जाओ शांति से। हे आ जाओ आ जाओ, चलो ऊपर चलो चलो। ए राजू, अरे आ जाओ आ जाओ, छुप जाओ। दारू भी पूरी खत्म हो गई है, कहाँ पीकर पड़ा होगा पता नहीं। ए राजू, कहाँ है तू राजू? अरे बाप रे, चला गया वो। ए चलो चलो आ जाओ। अरे धीरे धीरे चलो। अरे चुप रहो। अरे अरे जान छोड़ो ना। कमान क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रही हो मरी जान? कहाँ जाओ, उधर या इधर? अरे वो क्या देख रहा है? ए, उसको बुला। क्या हुआ, क्या करा? अरे क्या कर रहे हो? चलो आ जाओ चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Thank you.
Come on, baby. ये खुल ही नहीं रहा है यार। एक मिनट, आइडिया है मेरे पास, ये चाबी है, इससे खुलता है कि नहीं देखता हूं। अरे खुल गया, यही है भाई, यही है। हाँ ये लो, ये भी लो। बाप रे, अरे ये सीढ़ी है, ये लो पकड़ो। से बाहर निकलो, आवाज मत करना। ये कहां से आ गई यार? हैंड्स अप मैडम। क्या यार, ये उठ गया तो हमें मार डालेगा। आराम से पकड़ो उसे। ए दास, कहाँ मर गए सबके सब? ए स्पाइसी, स्पाइसी, ए कहाँ मर गए तुम सबके सब? हाँ हेलो भाई, सब खत्म हो गया भाई। हा? एक बार टीवी चालू करके न्यूज देखो भाई। ए क्या हुआ, कहाँ हो तुम लोग? भाई हम सब लहरी के गैरेज में छुपे हुए हैं, पहले आप टीवी चालू करो भाई। क्या हुआ, अरे बताना। हेलो हेलो, ए क्या हुआ इसे? प्रमुख रियल एस्टेट व्यापारी वीर भवानी शंकर का पर्दाफाश हो गया है। वीर भवानी शंकर हर अपराध करता है, लैंड माफिया, हत्या, रेप, स्मगलिंग, चोरी करना, ये सब कुछ। भगवान सब देख। काम के नाम से शहर आए हमारे जैसे लड़कों और लड़कियों को लालच देकर, हमें पैसा देकर, अग्रीमेंट पर हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवाता है, हमारे सर्टिफिकेट अपने पास रखकर हमें मारने की धमकी देता है। उसने हमसे चोरी करवाई, उसके खिलाफ जो जाता है उन्हें बेरहमी से मार देता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बंगले के पीछे खुदाई करेंगे तो बहुत सारी लाशें मिलेंगी। इतना ही नहीं, लड़कियों को ट्रैप करके उन्हें धमकी देता है और उन्हें मजबूर करके सेक्स रैकेट चलाता है। वीर भवानी शंकर के हत्या, धोखेबाजी और अपराध के सबूत विशाल, हमटी और रामबाबू नाम की युवकों ने पुलिस कमिश्नर के सामने पेश किया। भवानी के जाल में फंसने वाली स्पाइसी कमिश्नर प्रेस मीटिंग के सामने अपने आप बीती बताई। मुझे नौकरी दिलाने का वादा करके उसने अपने साथ मिला लिया। उसके खिलाफ मैंने सारे सबूत विशाल बैच को दे दिया है। भवानी शंकर का सबसे मेन गवाह मनी शंकर, विशाल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। मनी शंकर ने जो अपराध किया है उससे उसने खुद स्वीकार कर लिया है। जितने सबूत हैं सब पुलिस के हाथों लग चुके हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक शंकर पे अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, किसी भी पल पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भवानी शंकर पर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, किसी भी पल पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। उस भवानी शंकर ने हमें धोखा दिया है, अगर आपने उसे नहीं मारा तो हम खुद को मार डालेंगे।
भवानी शंकर सरेंडर कर दो, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे सारे लोग जेल पहुंच चुके हैं, इज्जत से सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे, सोच लो भवानी शंकर। सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। अन्याय और अधर्म की जीत कभी नहीं होती, क्योंकि न्याय और धर्म का बल बहुत ज्यादा होता है। दुष्ट लोगों में अगर इतनी शक्ति होती तो हिटलर, सद्दाम और ओसामा जैसे लोग इस तरह की मौत नहीं मरते। अगर उन्हीं के चरित्र को कोई अपनाता है तो उसका भी हाल वीर भवानी शंकर की तरह ही होगा। लोगों से लूटमार करने वाले भवानी की मौत बहुत बुरी तरीके से हुई, इसलिए दुष्टों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अन्याय और अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मेडिसिन का इस्तेमाल करके ठीक हो सकती है, डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। सिस्टर डॉक्टर कहाँ है? आगे जाके राइट ले लीजिए। हाँ हाँ ओके ओके ओके, मैं लंच आवर में कॉल करूंगा। हाँ ठीक है सर। हाँ क्या हुआ विशाल? सर आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया, क्या हुआ सर? अरे अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सही समय पर अपनी माँ को एडमिट किया इसलिए हम ऑपरेशन करके उन्हें बचा पाए, वरना केस बहुत सीरियस हो जाता। क्या कह रहे हैं सर? अरे हाँ विशाल, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, एवरीथिंग इज ऑलराइट, वो तुम्हें याद कर रही है। थैंक यू सो मच, आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। तुम अंदर जाके अपनी माँ से मिल लो। ओके सर। माँ माँ वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की माँ? वही जिसने मेरा ऑपरेशन करके मुझे बचाया है। वो देखो उसे याद ही किया, अब वो आ भी गई। श्री तुम? माँ वो, अरे श्री ने पहले ही तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ सब बता दिया है, ये लड़की बहुत अच्छी है बेटा। श्री विशाल। थैंक यू श्री, मेरी माँ को तुमने बचा लिया। वैसे तो मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एक चोर की तरह ट्रीट किया। मेरे पापा को मारने वाले तुम नहीं थे, ये मुझे बहुत देर में पता चला। हर दिन तुम मेरे पीछे आते थे लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन सच्चाई का पता चलते ही मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे मैंने ये सब प्रायश्चित करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने होने वाली सासू माँ को बचाने के लिए मैंने ये सब किया है। क्या कहा फिर से कहो। आई लव यू विशाल, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। आई लव यू श्री, आई लव यू सो मच। विशाल, अरे विशाल, इसको तो अपनी वाली मिल गई, चलो हम चलते हैं। ए राम बाबू। अरे अरे विशाल क्या हुआ, आखिरकार तुम दोनों का प्यार सक्सेसफुल हो ही गया। अरे इसे पाने के लिए ना जाने इसने क्या क्या किया है। माँ ये बड़ा बेटा ये बड़ी बहू, छोटा बेटा छोटी बहू, इन लोगों के साथ हमें भी अपना आशीर्वाद दे ही दो, हम भी शादी कर लेंगे अपनी। खुश रहो।